ज्योमेट्रिक मैथ ट्रिक में हमारा क्वेश्चन है एक वृत्त पर जिसमें एक त्रिभुज डी बी और सी में कोण बी की वैल्यू दिया है 30 डिग्री और कोण सी का वैल्यू दिया है 110 डिग्री और हमें पूछा गया है त्रिभुज बी ए सी में कोण ए की वैल्यू कितनी होगी पूछा गया है क्वेश्चन में। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक त्रिभुज बी डी और सी में कोण बी का मान दिया है 30 डिग्री और कोण सी का मान दिया है 110 डिग्री और चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, चूंकि कोण बी और कोण सी मिलकर 140 डिग्री बना रहे हैं तो शेष 180 में से 40 डिग्री कोण डी का वैल्यू होगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक त्रिभुज बी ए और सी में कोण ए की वैल्यू कितनी होगी, चूंकि हम जानते हैं एक ही चाप पर बने हुए दो कोण जो आपस में परिधि को वृत्त की परिधि को छू रहे हैं वे आपस में समान होते हैं। अगर कोण डी की वैल्यू 40 डिग्री है तो निश्चित ही कोण ए का मान भी 40 डिग्री होगा, तो इस आधार पर कोण ए का मान भी 40 डिग्री आएगा। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कोण बी ए सी का मान कितना होगा, तो ऑप्शन देकर बता सकते हैं ऑप्शन बी 40 डिग्री।